नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी इस समय में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हूं। आप देख रहे होंगे कि यहां पर ओबीसी भारतीय ओबीसी महासभा के द्वारा ओबीसी आरक्षण पर चिंतन मंथन एक बैठक बुलाई हुई है और इस सभागार में आप देख रहे होंगे कि विभिन्न जगहों से आए हुए ओबीसी के इसमें अलग जातियों से इकट्ठे होकर एक जमात में इकट्ठा हो रहे हैं। और पहली बार मैं ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में पहली बार देख रहा हूं कि कुछ महिला भी आई हैं, तो मुझे लगता है कि अब ओबीसी समाज में इस समय जागृति जो है अब वो आ रही है और कुछ महिलाएं हैं और मैं उनसे थोड़ा वार्तालाप करूँगा। आप जैसे यहाँ पर ये मीटिंग हुई है ओबीसी की, जब भी मीटिंग होती है उसमें पुरुष देखने को ज़्यादा मिलते हैं, हमारे समाज की जो ओबीसी महिलाएं हैं वो पीछे रहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज की महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं? बिल्कुल जागरूक हो रही हैं और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक समाज में चेतना जागृत नहीं होगी। नारी का जागना बहुत इतना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का और किसी भी राष्ट्र का निर्माण नारी से होता है। और नारियों का इतिहास तो पूर्व में देखा ही गया है कि किस किस तरीके से वीरांगना हुई है, उसी प्रकार आज की नारियों को दबा दिया गया, तो उसी के चलते आजकल नारियां पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं और अपने अधिकारों को पहचान रही हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी परिवार को, समाज को या राष्ट्र को आगे बढ़ाने हमारे बीच में नारियों को आगे बढ़ाना बहुत अनिवार्य है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलीगढ़ में मेयर के चुनाव होने थे, उसमें ओबीसी एक महिला कैंडिडेट को सीट पूर्व में, लेकिन अब वो उस सीट को उठाकर अनारक्षित में पहुंचा दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी के एक हक की हकमारी की जा रही है, जो महिला सीट थी उसको, जो ओबीसी वर्ग में थी उसको अनारक्षित वर्ग में पहुंचाने में आपको क्या लगता है कि जो प्रदेश सरकार है वो ओबीसी समाज के साथ में न्याय कर रही है? नहीं, ये बहुत अन्याय हो रहा है। जब सारे समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे में ओबीसी को क्यों पीछे रखा जा रहा है? ओबीसी को पीछे नहीं रखना चाहिए, उनका भी एक मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत उनको अधिकार मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। जबकि भाजपा कहती है हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, और जबकि अलीगढ़ में जो मेयर के लिए वो महिला के लिए सीट डिक्लेयर थी लेकिन उसको अनारक्षित करके उसको पुरुष में पहुँचा दिया। जिस तरीके से पहले इसमें ओबीसी सीट थी तो उसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब महिला सीट है तो हर वर्ग के लोगों को वो सीट मिलनी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको, इस अधिकार का हम हनन ना हो वो ज़्यादा बेटर है। आप किसके क्षेत्र में देख रहे हैं कि ओबीसी के हकाधिकारों का हनन हो रहा है? लगभग सभी क्षेत्र में देख रहे हैं, हर चीज़ में ओबीसी को पीछे किया जा रहा है। आरक्षण तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, तो जब तक हर वर्ग नहीं बढ़ेगा, केवल सवर्ग बढ़ता रहेगा, उससे देश का कल्याण नहीं होगा। पिछड़े वर्ग में को आगे जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक विकास संभव नहीं है। आप जैसे देखें कि ये जो बहुजन समाज है जिसमें एससी एसटी ओबीसी 85% समाज बनता है, और वो पूरा समाज मिल करके उस 10% समाज से हक अपने हकों के लिए लड़ रहा है, अपने हक या भीख मांग रहा है एक कटोरा लेकर के, आप देखा जाए कि उस 10% आबादी से ये 85%, तो क्यों 85% जो समाज है इसने अपने जो नेता है वो लीडर क्यों नहीं तैयार किए? देखिए, लीडर तैयार करने के लिए किसी खास चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, बस उसे अधिकार देने की आवश्यकता होती है। जब हम अधिकार देते हैं तो लीडरशिप तैयार होती है, और हर क्षेत्र में तैयार होनी चाहिए और हर वर्ग में। जब देश की बात आती है तो वर्गों में नहीं बांटना चाहिए देश को, उसमें केवल इतना होना चाहिए कि किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से आज महिलाएं देखने को मिल रही हैं, अब कदम से कदम मिलाकर भी ये पुरुषों के साथ में चलेंगी और ओबीसी के हकों के लिए लगातार आवाज उठाएंगी? बिल्कुल, अगर हमारा हक मारा जाएगा तो हमें तो आगे आना पड़ेगा। जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा कि हाँ ओबीसी की महिलाओं को भी अपने अधिकार चाहिए। तो जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और बिना नारी के जागरण के उत्थान है ही नहीं, संभव नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस समय जैसे 2014 से भाजपा सरकार आई है या उससे पहले से भी ओबीसी के हकों की हकमारी होती रही है, या अब ज़्यादा वर्तमान में हो रहा है? अब ज़्यादा हो रहा है। पहले था, आरक्षण था, माननीय मुलायम सिंह जी ने काफ़ी हद तक ओबीसी के लिए काम किया, और आज की डेट में
ओबीसी को बहुत पीछे खींचा जा रहा है। एक सवाल और आता है, जब आप ओबीसी की मीटिंग कोई मीटिंग करती हैं तो आप जो एक 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 आरोप लगाया जाता है जब भी आप ओबीसी की करते हैं तो आप लोग जातिवादी हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोई परशुराम सेना बनाता है या ब्राह्मण समाज की सेना बनाता है तो उसमें वो जातिवाद नहीं दिखता। तो क्या आपको यहाँ पर ओबीसी महासभा की मीटिंग करके क्या आप जातिवाद फैला रहे हैं पूरे समाज में? आपको लगता है क्या ये ऐसा कुछ भी नहीं है? सोच अपनी अपनी सोच है, ऐसा उनका मानना है, ये बहुत लोगों का मानना है पर हमारा तो मानना नहीं है, क्योंकि हम तो अपने हक के लिए कह रहे हैं। कौन सा समाज अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा है ये बता दीजिए आप। ये कहते हैं भाजपा वाले, कहते हैं कि नहीं भाजपा वाले अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं आप बताओ? भाजपा वाले अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भाजपा का तो यही एजेंडा है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, सब समाज को लेकर के चल रहे हैं। फिर ओबीसी का हक क्यों मार रहे हैं वो लोग, क्यों ये खत्म कर रहे हैं ओबीसी आप बता दीजिए? अगर हम महिला सीट क्यों खत्म की, अगर वो समाज को वो दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे ये बता दीजिए आप। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर ओबीसी आरक्षण पर चिंतन मंथन हो रहा है तो इसके द्वारा महिलाओं में भी जागृति आएगी? क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि उनको अपना हक मिलेगा ना, अपने हक के लिए लड़ेंगी, क्योंकि अगर हक के लिए नहीं लड़ेंगी तो आगे तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए। हम लोग देखिए बैठी है कितना वो देख कर रही है, क्यों आए, उनको अपना हक चाहिए ना इसलिए। लेकिन सभी पर ज्यादातर हिंदुत्व की एक रंगाई कर दी है हिंदुत्व की, और हिंदू के लिए ही उनको एकजुट किया जा रहा है, जबकि हिंदुत्व का जो बीज है ओबीसी हिंदू में नहीं आता क्या? ओबीसी हिंदू में नहीं आता, हिंदू में ही तो आता है, फिर ओबीसी को अलग क्यों किया गया? क्यों नहीं, क्यों उसका क्यों नहीं दे रहे लोग, क्यों उसको खत्म कर रहे हैं, उसका आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं ये बता दें। हिंदू तो तब आता है ना जब वोट लेना हो तो। सुनिए ओबीसी केवल यादव ही नहीं है, ओबीसी में बहुत कास्ट है, एक कास्ट नहीं है बहुत कास्ट है, सभी कास्टों का मारा जा रहा है, कौन सी बता दीजिए आप कितनी कास्ट है? तो ये कहाँ दे रहे हैं हिंदू, फिर हिंदू कहाँ है ये बताइए अब आप देख लीजिए। क्यों हम तो लड़ेंगे जब तक वो सरकार देखें क्या करती है इसके लिए। जैसे यहाँ पर एक ओबीसी आरक्षण पर चिंतन मंथन हो रहा है तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गांव-गांव में भी जाकर के ऐसे ओबीसी आरक्षण के लिए चिंतन या ओबीसी समाज में जागृति आनी चाहिए? जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे क्योंकि हम अपने अकेले कहीं भी जाएंगे। ओबीसी समाज की महिलाएं निकलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, देखिए निकल के आ रही हैं, वो निकलेंगी जब उनका हक मारा जाएगा तो निकलेंगे। हर कोई निकलता है, भूखा होता है तो वो खाना तो मांगता ही है, जब इंसान भूखा है तो खाना तो मांगेगा ही ना, तो जब उनका हक मारा जाएगा तो ये लोग निकलेंगे नहीं, जरूर निकलेंगे, हम निकालेंगे। वहाँ पे ले जाएंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिए जाएंगे, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्यों अपने हक के लिए जेल में कर देंगे तो कर दें, हमें इसका भी डर नहीं है, जब हम निकले अपने हक के लिए तो। 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी की वैकेंसी रोक दी थी उसमें जो स्टूडेंट थे लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज कर दी। ये सरकार है ना, उस पर सरकार ये कहती है कि हिंदुत्व कहाँ है, हिंदुत्व बताइए ना, कि अपना हक मांग रहे हैं तो मार रहे हैं हमें, क्यों मार रहे हैं भाई, क्यों हमारा हक नहीं है मांगने का? समाज ये लोकतंत्र है, ये हमारा राष्ट्र लोकतंत्र में है, क्योंकि हम अपना हक मांग सकते हैं, ये और देशों के तरीके से नहीं है, हमारा देश में लोकतंत्र है, सब अपने अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, तो हमारा है हक तो हम खड़े होंगे, लेकिन चाहे लाठी चार्ज कर दें, चाहे जेल भेज दें, चाहे कुछ भी कर दें। आगे एक बुजुर्ग महिला आई हुई है ओबीसी की, उनसे भी थोड़ा दो बात करते हैं। इतनी उम्र में चल करके पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई इस कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में पहली बार कुछ महिलाएं देखने को मिल रही हैं, तो दादी आप कहाँ से आई हैं? कुंजलपुर से आई हैं। क्या लगता है कि जो अब महिलाओं में जागृति आ रही है, आप क्या करती हैं हमारे भाई? आप क्या करती हैं? डॉक्टर पुष्पवंदन लोधी जी कछुना करती हूं मैं, जिला पंचायत घूमने के लिए आई हैं, बहुत आभार है, क्योंकि हाथ हथौड़ी पे चल रहा है। चलिए दादी अपने घर से निकलकर कुंजलपुर से आई हुई है और ओबीसी आरक्षण पर जो चिंतन मंथन हो रहा है वहाँ पर कुछ सुनने आई है, कुछ समझने आई है, और आप देखेंगे पहली बार कुछ मैं महिलाओं को देख रहा हूँ। अगर इसी तरीके से अगर ओबीसी समाज की महिलाएं भी आगे आने लगी तो आने वाले समय में जो परिवर्तन है आपको जल्द देखने को मिलेगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूंगा, मैं अलीगढ़ से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और आप देख रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण पर यहाँ पर चिंतन मंथन एक बैठक एक सभा बुलाई है और यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है, और आपके साथ जुड़ा भी रहूंगा और यहाँ की जितनी वीडियो है उनको आपके सामने लाता रहूंगा, आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी।